करने वाली हूँ अरबी की जड़ की सब्जी। आई होप सो कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू। शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी में हमने ली हुई है अरबी की जड़, और जिसको मैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करके धुल के छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक बारीक कट कर लिया है। तो आप लोग, अरबी और घुइयाँ ये एक ही सब्जी होती है, इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उन दोनों में से मैं किसी की सब्जी नहीं बल्कि मैं उसके जड़ की सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं उसको उबलने के लिए रख दे रही हूँ। कम से कम 2 से 3 मिनट तक मैं इसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी, जब तक ये हमारी उबल के तैयार होती है। और इधर मैं इसके लिए मसाले तैयार कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ था प्याज, हरी मिर्च और लहसुन की कुछ कलियाँ। इन सबको ही मैं मिक्सी जार में डालकर अच्छे तरीके से पीस कर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पेस्ट तैयार कर लिया है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आप लोगों में से किसने घुइयाँ की जड़ की सब्जी बनाई और खाई है। तो इधर हमारी उसकी जड़ें भी अच्छी तरीके से उबल चुकी हैं, तो मैं इसे अब गैस को बंद कर दूँगी और इसे ठंडे होने के लिए रख दूँगी। तो इधर तब तक हमने इस पेस्ट में हमने यहाँ पे कुछ सूखे मसाले लिए हुए हैं, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे ले लिया है स्वाद अनुसार नमक, हींग। इन सारी चीज़ों को इस पेस्ट में डालकर अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर देंगे, ताकि ये सारा मसाला एक में ही मिक्स हो जाए। और इधर हमारी जो जड़ें थीं वो उसको मैंने पानी से छन्नी में डालकर निकाल लिया है, तो पानी इसका निचोड़ चुका है। तो अब हम इसे जो है कुकर में बनाने जा रहे हैं। आप इसे कढ़ाई, भगोने किसी में भी बना सकते हो। तो कुकर हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें हमने डाल दिया है सरसों का तेल जो कि गर्म हो गया है। फिर हमने इसमें डाल दिए अजवाइन और तेज़पत्ता। कहते हैं कि घुइयाँ या अरबी की सब्जी बनाओ तो उसमें अजवाइन डालना चाहिए, जिससे हमारा पेट ठीक रहे। तो हमने इन सारी चीज़ों को इसमें डाल दिया था, और अब फिर जो मसाला था वो भी हमने इसमें डाल दिया। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से इसमें भून लेना है। तो भूनने के लिए हमें इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 1 से 2 मिनट तक मुझे इसे पकाना है। तो ये जब ऑयल रिलीज़ कर देगा तो हमारा मसाला भून जाता है। तो इसमें देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से मसाला भी भून गया है और ऑयल भी रिलीज हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अरबी की जड़ों को, जो कि बहुत अच्छी तरीके से उबल कर अच्छे से तैयार हो गई थी। अब इनको भी इस मसालों के साथ में डालकर हमें मिक्स करना है और इसे धीमी आँच पर ही पकाना है। तो हमने यहाँ पे इस मसालों के साथ में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, और हमें अब इसको कुकर कर ढक्कन ऐसे ही ढक देना है, बंद नहीं करना, ताकि जो उसका जो पानी है ना वो इसमें आ जाए। तो इसे 1 से 2 मिनट के बाद फिर इसे खोल के देख रहे हैं, तो जो भी इसमें पानी था जड़ों में वो निकल के बाहर आ गया है, और काफ़ी अच्छी तरीके से मसाला भी इसमें सब में जो है मिल चुका है। तो अब हम इसको में अच्छी तरीके से मिला देंगे और इसमें अपने अकॉर्डिंग ही पानी डाल देंगे। आपको जैसी भी ग्रेवी पसंद हो, पतली या थिक, आप उसके अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सबसे लास्ट में डाल दिया है गरम मसाला, उसको भी डालकर मैं इसे मिला दूँगी। और मिलाने के बाद इसमें इसे बंद करके रख दूँगी, कम से कम नहीं तो 4 से 5 सीटी आने तक। और 4 से 5 सीटी आने के बाद हमारी यहाँ पे जो अरबी की सब्जी है वो फटाफट बनके तैयार हो जाती है। और मैंने उसको एक बाउल में सर्व करने के लिए निकाल लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। तो आई होप कि आप लोग भी इस सब्जी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। और मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।